हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार्की टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन रियलमी 3 का एसस जेनफोन मैक्स M2 से, और आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। अब ये दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग पे आते हैं और दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज भी हैं। तो हमेशा की तरह मैंने 5 पॉइंट पे कंपेरिजन किया है: बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, और जो अदर फीचर है मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता रहूंगा। सबसे पहले बात करूंगा दोनों की बिल्ड क्वालिटी की। तो एसोस जेनफोन मैक्स M2 में आपको मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बैक से ये फोन मेटल का है, फ्रंट पे गिलास है, और कोई रिकमेंड बताया नहीं है कौन सा गिलास है, तो आई थिंक इन्होंने कोई दूसरा गिलास यूज किया होगा, कोई गोरिल्ला गिलास नहीं है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी जो है काफी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। आपके हाथ में जब ये फोन आएगा तो आपको चीप सा फील नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक के फोन जो है वो हाथ में आते ही आपको बहुत ज्यादा चीप लगते हैं, लेकिन देखने में काफी आजकल अच्छे फोन आ रहे हैं प्लास्टिक के, लेकिन इन दी एंड प्लास्टिक होते हैं तो आपको उनपे कवर लगाना पड़ जाता है। लेकिन यहां पर आप कवर के बगैर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme 3 की, तो वहां पर आपको एक बहुत ही गॉर्जियस डिजाइन मिलता है, देखने में काफी अच्छा है, ड्यूल टोन कलर है पीछे की तरफ, बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन प्लास्टिक का फोन है। तो यहां पर आपको, अगर आप ये फोन ले रहे हैं, तो साथ में कवर लाजमी लगा के रखिएगा, वरना स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। आजकल जो प्लास्टिक के फोन आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, ड्यूल टोन कलर होते हैं, देखने में काफी अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कवर के बगैर यूज करोगे तो वो खूबसूरती फौरन खराब हो जाएगी। अब मैं बात करूं अगर दोनों की स्क्रीन की, तो दोनों ही दोनों फोन में ऑलमोस्ट 6.2 इंच का डिस्प्ले आता है। एक में 6.26 इंच का डिस्प्ले है एसोस में, और रियलमी में आपको 6.22 इंच का डिस्प्ले मिलता है। दोनों में आपको 720 पिक्सल डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही दोनों IPS LCD के पैनल हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। एसोस में आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, जो ट्रेडिशनल नॉच है, छोटी नॉच है लेकिन नॉच है। लेकिन Realme 3 में आपको एक न्यू डिजाइन मिलता है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच है। वो भी अब न्यू नहीं रहा, लेकिन मॉडर्न लगता है, अच्छा लगता है, देखने में काफी अच्छा लगता है, आई कैचिंग है। तो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन Realme 3 इज द क्लियरली विनर। वहां पर आपको न्यू डिजाइन मिलता है, वाटर ड्रॉप नॉच है, लेकिन अगर आपको नॉच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेडिशनल नॉच भी यूज कर सकते हो, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम पैनल हैं। अब मैं बात करूं अगर दोनों की कैमरा की, तो यहां पर जो है मामला काफी डिफरेंट है। बैक कैमरा तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, आपको दोनों में 13+2 MP का कैमरा मिलता है। दोनों का जो अपर्चर है वो है f1.8, मतलब यह है कि दोनों में आपको लो लाइट की पिक्चर्स काफी अच्छी मिल जाएंगी, पासिबल मिल जाएंगी, मतलब इस प्राइसिंग में अच्छी पिक्चर्स आ जाएंगी आपको जो है। आप डे लाइट में काफी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं आप, और यहाँ पर वीडियो वगैरह भी काफी अच्छी बन जाएगी आपकी। लेकिन दोनों में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन की जैसी कोई चीज नहीं मिलती, तो वो देखना पड़ेगा आपको। इस प्राइसिंग में से इमेज स्टेबलाइजेशन Redmi S2 में मिलती है आपको। अगर आप वाकई वीडियो वगैरह बहुत बनाते हैं तो Redmi S2 आप ले सकते हैं। खैर, अब मैं बात करूँ दोनों के फ्रंट कैमरा की, तो यहां पर Realme 3 क्लियरली विनर करता है। Realme 3 में आपको 13 MP की सेल्फी मिलती है, जो कि एक अच्छी सेल्फी है। आपको जो है डे टू डे यूजर्स में, आपको आपको ऐसी फेसबुक के लिए सेल्फी ले रहे हैं तो एक नॉर्मल सेल्फी, अच्छी सेल्फी कराई जाएगी। लेकिन एसोस में आपको 8 MP की सेल्फी मिलेगी, जो कि बहुत कम है, मतलब 8 MP की सेल्फी आजकल कुछ भी नहीं है। ये यहां पर ऑलमोस्ट इनको 13 MP की सेल्फी देनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपको सेल्फी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आप ये फोन ले सकते हैं। दोनों का मेन कैमरा अच्छा है, लेकिन सेल्फी में Realme 3 इज द क्लियरली विनर। अब मैं बात करूं अगर दोनों के परफॉर्मेंस की, तो एसोस में आपको स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है। इसका जो एंटूटू स्कोर है वो ऑलमोस्ट 1,05,000 तक है। यहां पर आपको कोई भी गेम चलाने में कोई मसला नहीं आएगा, आप पबजी वगैरह नॉर्मल सेटिंग पे आराम से खेल सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है ये, जैसे कि आप इससे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन करो। ये एक मिड रेंज प्रोसेसर है, मतलब इस प्राइसिंग के हवाले से सही है, लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज्यादा हैवी टास्किंग करोगे तो ये लैग होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme 3 की, तो वहां पर आपको MediaTek का Helio P70 का प्रोसेसर मिलता है, जिसको आप आराम से कंपेयर कर सकते हो Snapdragon 660 से, क्योंकि यहां पर आपको जो स्कोर मिलता है बहुत ही ऑसम है। एंटूटू का स्कोर है 1,47,000, और इसकी जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है। इस प्रोसेसर की आपको यहां पर बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस मिलती है Realme 3 में। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस Realme 3 इज अ क्लियरली विनर, नो कॉम्पिटिशन।
अब मैं बात करूं और दोनों की बैटरी की, तो एसोस में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलता है। और रियलमी 3 में आपको 4230 mAh की बैटरी मिलती है, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, यहाँ पर भी आपको माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलता है। और दोनों के दोनों फोन जो है वो 2 एम्पीयर्स की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, 2 एम्पीयर्स पे आप दोनों को चार्ज कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी सही है, दोनों तकरीबन सेम है। अगर आपको समझ लें दोनों में आपको कम से कम 1.5 दिन 2 दिन का बैकअप आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 720 पिक्सल डिस्प्ले है, दोनों के जो प्रोसेसर हैं वो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर हैं, तो आपको 2 दिन आराम से मिल जाएगा दोनों में। और बात करूं एक्स्ट्रा फीचर की, तो यहाँ पर दोनों में आपको फेस अनलॉक मिल जाता है, दोनों के दोनों फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है दोनों में, और अपनी प्राइसिंग के हवाले से दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब बात आती है कौन सा फोन लिया जाए, कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है। देखें, अगर आप ओवरऑल बहुत अच्छा फोन चाहते हैं तो रियलमी 3 बहुत अच्छा फोन है। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, आपको जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड पाए मिलता है रियलमी 3 में, जबकि एसोस में आपको एंड्रॉयड 8 मिलता है। और यहां पर आपको बैटरी भी थोड़ी बड़ी मिलती है। लेकिन अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप एसोस को देख सकते हैं। मेन कैमरा दोनों का सेम है, लेकिन अगर आपको एसोस लेंगे तो आपको सेल्फी जरा 8 MP नहीं मिलेगी, वो वहां पर देखना पड़ेगा आपको। तो ये था आज का कंप्लीट पैकेज, आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।